सरकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार महिलाएं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं, जैसे गहने पहनती हैं, जैसे गहनों में झुमके पहनती हैं, पायल पहनती हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी तो सस्ते समझते हैं। हाँ भी ऐसा खास क्या है? हाँ बिल्कुल, महिलाएं क्या पुरुष भी तो सस्ते समझते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी कविता को सुंदर दिखाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो कवि अपनी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। जी हाँ। तो अलंकार महाशय, आप उन्हें अपने बारे में थोड़ा और बताइए। ठीक है, मैं आपको अपने परिवार से बताना चाहता हूँ। अनुप्रास, मैं हूँ अनुप्रास अलंकार। इस गतिविधि के माध्यम से अनुप्रास अलंकार का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये क्या चाचा चल लगा रखा है, कहीं तुम पगला तो नहीं गए हो? नहीं, मैं नहीं पगला गई हूँ। मेरे अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ड की आवृत्ति होती है। अच्छा, मतलब अनुप्रास अलंकार में किसी एक शब्द की किसी एक वर्ड की समान आवृत्ति बार बार होती है। हाँ, इसी प्रकार मैं आपको एक और उदाहरण बताना चाहूंगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे भाई, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मैं कोई यह मत बता। जब कोई सत्य से अधिक होता है तुरंत अपना भी मुझे उसे यह मत बता दिया जाए। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, ये क्या होता है? इसमें घटा दो होता है। पहला घटा का अर्थ है कम होना तथा दूसरे घटा का अर्थ है पागल। यही है यमक अलंकार। अरे भाई सुरेश, तुम क्यों चुपचाप से खड़े हो और कैसा यमक से बड़ा चिपके हुए हो? तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे शब्द का यही तो अर्थ है कि एक शब्द दूसरे शब्द के साथ चिपका होता है और उसके अर्थ को खींच कर निकालना होता है। जैसे कि मंगन को देख पट देख बार बार। यहाँ पर पट देख का अर्थ अनेक है। पहला तो ये है कि वस्त्र देना और दूसरा तो ये है कि किवाड़ बंद कर लेना। अब मैं आपको अपने परिवार के अगले सदस्य से मिलाना चाहूंगी, जो कि है अति संयुक्त अलंकार। मैं हूँ अति संयुक्त अलंकार। आगे नदियाँ बड़ी अपार,